साथ जुड़ चुके हैं आशीष केलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शमला जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में, और पहले कॉलर भी हमारे साथ हैं, पहले कॉलर का भी ले लेते हैं। उनका नाम है रंजीत यादव, ये संबल से हमारे साथ हैं। रंजीत जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते, पूछिए सर, सवाल पूछिए। सर मेरे पास अशोक लेलैंड का शेयर है, 144.35 पे है 1000 शेयर। 144 पे जी, ठीक है, कितने 135 शेयर है। 6 महीने तक रख सकता हूँ सर। 6 महीने के लिए रख सकते हैं, आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा आपकी खरीद से ऊपर नीचे तो नहीं है, आपकी रेट टू रेट ही है। अच्छा लिया कब था सर, ये लिया कब था ये और बता दीजिए जरा। पिछले वीक में लिया था। पिछले वीक में लिया, पिछले वीक से तो खैर कुछ नहीं हुआ इसमें शेयर के अंदर, हालांकि ऑटो कमर्शियल व्हीकल के सेल्स के आंकड़े आए, एक बार सडन मूव आया लेकिन बाद में वो यहीं आके रुक गया है। एक बार आशीष शुक्रिया तो समय देने के लिए, आप अशोक लैंड को देखिए, मैं इसकी एक रेंज आपको बताता हूँ, खैर आप इससे पूरी इत्तेफाक भी रखते होंगे। ये 150 के ऊपर आके सिग्नल देता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, 150 के नीचे सिग्नल देता है कि मैं कभी भी टूट सकता हूँ, कोई भी नेगेटिव खबर आई तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। ये अच्छा एनालिसिस था आपका। ये एक्चुअली क्या है ना, इसकी प्राइस ट्रेजेक्टरी है, आप इस शेयर का ब्रेकआउट है, ये पिछले 5 साल से शेयर यहीं खड़ा हुआ था, अब चला तो डिफाइन होकर चलता है, तो 150 के नीचे वीक, 150 के ऊपर स्ट्रांग, कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े या कुछ भी पॉजिटिव खबर आ जाए तो उसी पे रिएक्शन देता है। एक बार आशीष मेरे को बताइए, ये रेट टू रेट निकल जाए, अगर आप नहीं निकलने की सलाह देंगे तो एक स्टॉप लॉस दीजिएगा। ओके आपने एकदम सही तरह से एनालिसिस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है रिंकी जी। मैं मानता हूँ कि ये जो रेंज है 150, आपने जो लेवल एक पर्टिकुलर लेवल बोला डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर मैं एक दायरा देखना चाहता हूँ, एक नीचे का एक जो कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले कई 6-7 ट्रेडिंग सेशन का मैं जायजा लेता हूँ, तो इसमें जो बॉटम बना है वो है करीबन 140 का, तो मैं मानता हूँ 139 के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके रखना चाहिए। जिस तरह का वोलेटिलिटी है मैं मानता हूँ बेस फॉर्मेशन होने की संभावना दिखाई दे रही है, अगर ये स्टॉक 151.5 या 152 के ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट रहेगा, इनका 6 महीने का नजरिया है, तो मैं मानता हूँ कि अगर 152 के ऊपर निकलता है तो अराउंड 166-167 तक भी जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है, तो डेफिनेटली होल्ड करें, स्टॉप लॉस 139 का लगाएं। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर। वक्त है आपके फेवरेट सेगमेंट स्टॉक सोशल का, जिसमें कि आप अपने सवाल हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे पूछ सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, लगातार सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, आप उसके जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों ही एक्सपर्ट आशीष केलकर और शर्मिला जोशी बने हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो शुरुआत पहले सवाल से भी कर लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमें एक सवाल आया है, गुजरात से भारती ने हमें भेजा है, और इनका सवाल जेएनके बैंक पर है, 2300 शेयर्स हैं इनके पास, 122 की खरीद है। आशीष आपसे सवाल होगा, अभी फिलहाल जेएनके बैंक में इन्हें क्या करना चाहिए, 122 के आसपास की इनकी खरीद है, वहां से काफी नीचे आ चुका, अब क्या करना चाहिए इन्हें। बेसिकली इसका अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए डाउन ट्रेंड की तरफ ही चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा उछाल हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा है, तो मैं मानता हूं कि यहां पे एक अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकता है रैली में निकल जाने के लिए, तो मैं मानता हूं कि ये जो रैली अभी चल रहा है ये जा सकता है करीबन 64-65 तक, तो 64-65 का एक बार अगर लेवल दिख जाए तो तुरंत निकल जाना बेहतरीन रहेगा। बैंकिंग स्टॉक में ही किसी में अगर निवेश करना है तो पीएसयू में से एसबीआई एक अच्छा निवेश के लिए स्टॉक हो सकता है, और अगर प्राइवेट में जाना है तो येस बैंक मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, मिथिलेश पांडे का इनका सवाल ले लेते हैं, पीएनबी पर इनका सवाल है, आज हम देख रहे हैं तमाम बैंकिंग शेयरों में तेजी है, पीएनबी भी करीब 4.5% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है। आशीष आपसे सवाल होगा, क्योंकि इन्होंने पीएनबी लिया है 101 के लेवल्स पर लिया है और 3 महीने का ही व्यू है इनका, क्या करना चाहिए इन्हें पीएनबी पर। होल्ड करके रखना चाहिए, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है अभी, मैं मानता हूं कि ये स्टॉक है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 1 या 1.5 हफ्ते में हो सकता है 104-105 के लेवल को छूने की क्षमता रखता है, हालांकि एक बीच में करेक्शन आएगा लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। एक स्टिक स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, ये जो स्टॉप लॉस है ये थोड़ा डीप डाउन है लेकिन बेहतरीन स्टॉप लॉस साबित होने की संभावना है, और ये जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा करीबन 91 रुपीज का, तो 91 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर ऑब्जर्व करें और होल्ड करें, 104-105 के लक्ष्य आते हुए देख पाएंगे। बैंक निफ्टी पर आया है, अमित उपाध्याय ने हमें भेजा है ट्विटर पर, आशीष आपसे सवाल होगा, इन्होंने बैंक निफ्टी के 10 लॉट शॉर्ट किए हुए हैं 26600 के लेवल्स पर, टारगेट और स्टॉप लॉस अब जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या करना चाहिए।
इन्होंने शॉर्ट किया है, मैं मानता हूँ कि बुलिश मोमेंटम जारी है. बैंक निफ्टी का अगर मैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो मैं मानता हूँ कि बैंक निफ्टी का टारगेट 26,750 से लेकर 26,800 तक जाने की संभावना है. तो मैं मानता हूँ कि इनका इन्होंने अगर शॉर्ट पोजिशन लिया है तो वो थोड़ा अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं मानता हूँ इसमें से थोड़ा निकल जाना ही बेहतरीन रहेगा. 26,700 या 26,800 का कॉल अगर वो बाय करते हैं तो बेहतरीन रहेगा. ये जो लॉस होने की संभावना है वो रिकवर भी हो जाएगी. इस बीच धर्मेंद्र यादव का सवाल आया है ट्विटर पर, इलाहाबाद बैंक में इन्होंने सवाल पूछा है. आशीष आपसे सवाल होगा, इन्होंने 50 के लेवल्स पर ले लिए थे इलाहाबाद बैंक और अभी जानना चाह रहे हैं इन स्तरों पर बने रहें या एग्जिट कर लें. इलाहाबाद बैंक का भी चार्ट स्ट्रक्चर अगर जैसे मैंने कुछ देर पहले पीएनबी के बारे में कहा था उसी तरह से एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है. मैं मानता हूँ यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए क्योंकि जिस तरह से अभी भी आज भी देखते हैं तो आज करीबन 46-47 के बीच में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है. इसमें ये स्टॉक क्षमता रखता है करीबन 51.5 से लेके 54 तक के बीच में ये स्टॉक जाने की संभावना है. डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 44.5 का स्टॉप लॉस लगाएं. ठीक है, इक्विटास को लेकर काफी सवाल मिल रहे हैं. रविचरण का एक सवाल है, 11,500 शेयर उनके पास है 168 के रेट पे. आशीष एक बार जरा आप ही चेक कीजिए टेक्निकल बेसिस पर क्योंकि इसमें कुछ पोजीशंस को काटना भी पड़ सकता है. वो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से उनका व्यू चाहिए प्रॉबली 1 से 7 दिन का, और अगर आप 3 से 6 महीने का देना चाहते हो तो उसके लेवल में को अलग से बताइएगा. ये 11,500 शेयर है, 168 की खरीद है, अभी 154 चल रहा है. नुकसान तो है और अच्छा नुकसान है अब तो वॉल्यूम के साथ. रिम्पी जी अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत ही क्रूकेड चार्ट स्ट्रक्चर है. इसमें कोई क्लियर डायरेक्शन देने वाला ये स्टॉक नहीं है. कुछ दिन ये स्टॉक बहुत अच्छी तरह से ऊपर निकलता है और कुछ ही दिनों में ये स्टॉक वापस एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ चलता है. तो एक बहुत ही वोलेटाइल और ऑसिलेट होने वाला ये स्टॉक है. फिलहाल अभी जो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है तो उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि यहाँ पे उनको होल्ड करने की सलाह देने की रुझान चार्ट के ऊपर मुझे दिखाई दे रही है. लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए. ये जो स्टिक स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर से उभर के आ रहा है वो है करीबन 149.5 का. तो ये 149 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर लगाना चाहिए. अगर ये स्टॉक 158 के ऊपर निकलता है तो तुरंत ये स्टॉक 166 तक भी जा सकता है. तो डेफिनेटली फिलहाल होल्ड करें, स्टिक स्टॉप लॉस एट 149. ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिए. उनके पास 134 शेयर है. नाम है मृत्युंजय साहू. ये कह रहे हैं कि वो 100 शेयर होल्ड करते, 134 की उनकी खरीद है. आशीष जरा एक बार आप देखिए शेयर को क्या करना चाहिए. टी लिंक अभी 94 हो चुका है, थोड़ा कमजोर हो गया इनकी खरीद के बाद. क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाएं या फिर बने रहे? बेसिकली इस स्टॉक को अगर हम देखते हैं ना, पिछले अगर 1.5 साल का मैं चार्ट देखता हूँ तो एक इम्पोर्टेंट लेवल था और जो अभी भी चार्ट के ऊपर टिका है वो है करीबन 83 रुपीज का. जब जब ये स्टॉक 83 के यहाँ पे आया है वहीं से उसने उछाल दिया ही दिया है और ये कम से कम 4 या 5 बार हुआ है. तो अभी भी वही हो रहा है. अगर मैं रिसेंट देखता हूँ तो ये 83 के करीब आ गया था, 84-85 तक आया था नीचे और वहां से एक उछाल मिला है. अभी ये उछाल के बाद होता क्या है जनरली स्टॉक में, ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है करीबन 100 रुपए तक जाता है या फिर 100 से लेके 108-110 तक भी जाने की संभावना चार्ट के ऊपर हमेशा हमने देखी गई है. तो हो सकता है कि यहाँ पे जो उछाल अभी अभी आया है वो 100 रुपए तक ऊपर जाने की संभावना है. वो एक अपॉर्चुनिटी होगी जो शेयर्स है वो बेचने की. नया निवेश करने की डेफिनेटली सलाह नहीं होगी क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर ठीक नहीं है. तो जिनके पास ये शेयर्स है तो 100-102 के बीच में आता है तो तुरंत निकल जाने की मैं सलाह देता हूँ. ओके, तो ये राय डी लिंक पर आपको दे दी गई है. 8% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है और दोनों ही सवाल जो इनका आईपीसी ज्वेलर्स वहां पर भी अच्छी तेजी है. आशीष आप ही राय दीजिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक में क्या करना चाहिए इन दोनों ही शेयरों में? दोनों में ही आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है, इन स्तरों पर क्या करें, पीसी ज्वेलर्स और एंड्रू यूज में? ओके, पीसी ज्वेलर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक में से निकल जाना ही अच्छा है क्योंकि कंप्लीट कार्नेज हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में होते हुए देखा है. ये स्टॉक 300 रुपए से सीधा 100 रुपए तक भी नीचे आया था, वहां से एक उछाल आया लेकिन उसके बाद जब जैसा एक जख्म होने के बाद वो थोड़ा समय लेता है वैसा वो समय अभी ले रहा है. लेकिन मैं फिलहाल इसमें तुरंत रिकवरी आएगी ऐसा कोई चांसेस चार्ट के ऊपर नहीं है तो डेफिनेटली निकल जाने की सलाह दूंगा. दूसरा जो स्टॉक आपने कहा एंड्रूल, इसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही करेक्शन ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो चुका है. ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक ट्रेंड रिवर्सल के कगार पर आके ये स्टॉक खड़ा है. मैं मानता हूं कि अभी भी इस स्टॉक में बने रहने की सलाह होगी. एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में रेकमेंड करूंगा ऑन क्लोजिंग बेसिस
क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर ये स्टॉक मैं मानता हूँ कि 25 रुपीस पे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए। ये जो आप बढ़त देख पा रहे हैं 14% की, एकाएक बढ़त हुई थी 10:20 के आसपास, आपने देखा होगा। अब माफ कीजिएगा, ये शेयर चलता नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई में ये, एंड्रू यूल, राइट। और इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि सडन स्पाइक उसके बाद इस शेयर के अंदर आया, और ये आपको हर रोज मार्केट में बिल्कुल क्लोजिंग होते होते आपको एक ऐसा शेयर मिलता है जिसके अंदर अभी तो पार्टी शुरू हुई, यानी कि अभी तो मोमेंटम आना शुरू हुआ है। और एंड्रयूल के अंदर आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, ये प्राइसिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिस रेट पे हुआ है। तो इसलिए सुबह का मूव और उसके बाद 10:15 के बाद का मूव, ये दोनों के दोनों अभी आपके सामने है और एक करीब आपको एक अच्छा रिटर्न और दे सकते हैं। तो आप इस शेयर में से भी ठंडा रुका हुआ शेयर था, इसके अंदर एक स्ट्रांग मूव आया है। तो जैसे ही ये रडार पर आया और देखिए शानदार तेजी देखने को मिल रही है, 14% की मजबूती इस वक्त स्टॉक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शकों को, कुछ और दर्शकों को भी शामिल करते हैं। प्रणाम कुंदब का सवाल आया है हमें ट्विटर पर, इनका सवाल ले लेते हैं। इन्होंने HDFC के दो लॉट लिए हुए हैं 2050 के लेवल्स पर। आशीष आप सजेस्ट करिए HDFC क्या करना चाहिए रखना चाहिए। अभी फिलहाल रिसेंट एक रैली चालू हुई है और मैं मानता हूँ कि ये जो रैली चालू हुई है वो चालू रहने की संभावना है। इसका पहला लग जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 1860 का, और अगर 1860 को ये क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो 1885 तक भी ये स्टॉक फ्यूचर्स में जा सकता है। तो डेफिनेटली अभी होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस के तौर पर 1822 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँ। ठीक है, एक राजेश का हमको व्हाट्सएप अभी भी मिला है सूरत से।